ये देखिएगा कितना कुहासा है कि दूर में कुछ दिख ही नहीं रहा है, दूर में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ दिखाई नहीं दिख रहा है। ये देखिए इतना कुहासा भरा है ना आज, आज से बहुत ही ज़्यादा ठंड है। पता नहीं दार्जिलिंग में क्या हो रहा होगा, इधर तो इतना ज़्यादा ठंड है, देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहे दूर से। ये देखिए आप लोग की तरफ कितना ठंडा है कमेंट करके बताइए। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंड है और इसलिए हम लोग ने स्कार्फ वगैरह ओढ़ लिया है, स्वेटर लगा लिया है। एंड आप लोग देख सकते हैं ये जो हरी हरी पौधे हैं, टी गार्डन है और हम लोग जा रहे हैं चाय फूल तोड़ने के लिए। हम लोग कैप लगा लिए, इतना ठंडा है ना इधर, ये देखिए धूल धूल इधर से इधर। और ये है यहाँ का सैम बोट का डायरेक्शन, ये देखिए ये जो पाइप है, ये पाइप में पानी सप्लाई हो रहा है एंड इससे इरिगेशन देंगे, ये पौधों को पानी मतलब इरिगेशन करेंगे इससे, इसीलिए पाइप होता है। ये है चाय बागान और ये चाय का पौधा है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर है, हरा हरा हरी हरी चाय की बागान। सो गाइस ये चाय का पौधा है, इसको काट दिए हैं, इसको कलम किए हैं बोलते हैं, और इसका जो बचा हुआ भाग है उसको हम लोग सुखा के इससे आग तापते थे एंड मज़ा आता था ठंडे के। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो हम लोग, आप लोग देख सकते हैं हम लोग कहाँ आए हैं, हम लोग आए हैं चाय फूल तोड़ने सुबह 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 6:30 बजे एंड और ये देखिए हम लोग का चाय फूल प्लास्टिक आ गया है और हम लोग चाय फूल तोड़ेंगे अभी। अभी हम लोग बड़ा वाला बागान में घुसेंगे, छोटा बागान में नहीं घुसेंगे। और ये देखिए हमारा बागान, ये है अभी हम लोग यहाँ का नाली देखेंगे, बहुत सारा बड़ा नाली है। और आप ये देखिए हम लोग बड़ा वाला चाय बागान में आ गए हैं और अरे जुगा ठिंगी पकड़ा तो गया है रे, हम लोग तो डर लगता है ठिंगी से, पूरा डर लगता है। और ये हम लोग दोनों जन डरपोक वाला लोग है और अभी हम लोग फूल तोड़ेंगे। सो ये देखिए फूल कम थी हो गया है ना, लास्ट टाइम ज़्यादा था ना, ये तोड़ तोड़ के ख़त्म कर दिया होगा सबको इसीलिए। चलो तोड़ो फटाफट। सो गाइस इस बार उतना चाय फूल नहीं है क्योंकि सब तोड़ तोड़ के ना लोग ख़त्म कर दे रहे हैं। हम लोग जब आए थे पहली बार तो बहुत ज़्यादा ही फला था और इस बार उतना नहीं है क्योंकि सब हम लोग से पहले आके ना लोग तोड़ के चले गए, इसीलिए हम लोग को उतना चाय फूल नहीं मिल रहा है। तो कोई नहीं, हम लोग फिर भी लेंगे। ये देखिए ये हमारा चाय फूल, अब हम लोग तोड़ लेते हैं फटाफट से। उम्मीद रख रहा बहुत ये हमारा चाय फूल है और इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। और ये सब चाय फूल इस तरीके से दिखता है, ये देखिए, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस एंड इसको रोटी के साथ खाने से तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी हम तोड़ते हैं, इधर देखिए इधर बहुत सारा पड़ा हुआ है, ये देखिए अब इसको हम तोड़ लेते हैं फटाफट से। इतना सारा चाय फूल है, ये देखिए, बताइए चाय फूल के बारे में सुमित्रा जी, कुछ बोलना है चाय फूल के बारे में? और इसका देखिए इतना सारा चाय फूल भर दी है अकेले, ये देखिए इतना सारा चाय फूल हो गया इसका। फिर चाय फूल देखा था मेरा, चाय फूल थोड़ा ही है, ये देखो थोड़ा सा है, ये जी इसका घर में ना ज़्यादा आदमी है बोल के ज़्यादा ज़्यादा तोड़ रही है। और हम लोग घर पहुंच चुके हैं एंड अभी मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि थोड़ा मोड़ा काम तो करना पड़ता है एंड फटाफट से इतने सारे बर्तन को है बट इसे मैं फटाफट से धो लेती हूँ एंड फटाफट धोने के बाद में मैं
फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करूँगी एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं जाऊँगी वापस ड्यूटी। और इधर मैं बर्तन धोते जा रही हूँ एंड ठंडे में बहुत पानी भी बहुत ठंडा है, लेकिन हमारा जो ये है हैंडपम्प है, हैंडपम्प में थोड़ा ठंडा पानी एंड गर्म पानी दोनों मिक्स आता है, तो इसीलिए अच्छा लगता है छोटे छोटे पानी खेलना। एंड अभी मैं बर्तन धो रही हूँ फटाफट से एंड मम्मी इधर खाना बना रही है, तब तक मैं ये बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। धोते जाओ धो बर्तन धो रही हूँ मैं इधर से, क्योंकि दीदी लोग नहीं है, दीदी लोग गए हैं अपने ससुराल में, इसीलिए बर्तन मैं धो रही हूँ आज। सो यस, बने रहिए वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं ब्रेकफास्ट भी कर ली हूँ और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अभी ड्यूटी। और आप लोग देख सकते हो उधर कितना कुहासा भरा है, अभी तक कुहासा गया नहीं है, 9 बजने वाला है लेकिन कुहासा गया नहीं अब तक। और इधर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है गाइस। और अब मैं निकल चुकी हूँ और अभी मैं जाने वाली हूँ ड्यूटी। सो गाइस, मुझे ना गाड़ी नहीं मिल रहा, आधा घंटा हो गया है मेरा वेट किया हुआ, बट अभी भी मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा है। इतना ठंडा है, इतना कुहासा है कि कोई गाड़ी भी नहीं आ रहा है। वैसे भी अभी शादी का सीज़न है ना, तो गाड़ी सब रिजर्व चला गया है एंड कोई गाड़ी है बट वो आ ही नहीं रहा अभी तक। क्या होगा मेरा पता नहीं, कब आएगा ये गाड़ी एंड उसके बाद मैं जाऊँगी मैं वापस ड्यूटी। ये ठंड की वजह से कोई अभी गाड़ी भी नहीं चला रहा है शायद, मेरे ख्याल से तभी तो गाड़ी नहीं आ रही है। कब आएगा गाड़ी एंड मैं गाड़ी में जाके बैठ के वापस ड्यूटी पहुंच सकूं, क्योंकि 9 बज चुका है एंड मुझे 10 बजे तक पहुंचना है वहां पे एंड अभी भी गाड़ी नहीं आया है। सो गाइस, मैं क्या करूं, काश गाड़ी आ जाए फटाफट से। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो ना ऑटो आ रहे हैं ना बस, पता नहीं कब आएगा ये गाड़ी एंड फिर मैं जाऊंगी। सो फाइनली मुझे बस मिल गई है और मैं बस में बैठ चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ वापस ड्यूटी। मैं अभी पहुँच चुकी हूँ एंड अभी मुझको जाना पड़ेगा ड्यूटी। सो वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा एंड मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।